नमस्कार दोस्तों एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है आज मैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि टीजीटी हिंदी परीक्षा के साथ साथ यूपी ट्रिपल एस की परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी होगी तो आइए इन प्रश्नों को हम देखते हैं पहला है कि हिंदी फारसी हिंदू शब्द फारसी भाषा का शब्द है तो प्रश्न आ सकता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है तो फारसी भाषा का शब्द है नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा के विकास का क्रम इस प्रकार है पहले संस्कृत आई उसके बाद पाली आई फिर प्राकृत आई फिर अपभ्रंश आई फिर अवहट्ट आई फिर प्रारंभिक हिंदी आई नेक्स्ट देखते हैं पश्चिमी हिंदी की बोलियां तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों को दो वर्गों में बांटा गया है ओकार बहुला इसके अंतर्गत बुंदेली ब्रज भाषा कन्नौजी शामिल तो याद रखिएगा ओकार बहुला भाषा हाँ है बुंदेली जो बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है ब्रज भाषा ब्रज क्षेत्र और कन्नौजी और आकार बहुला के अंतर्गत कौरवी खड़ी बोली हरियाणवी दक्षिणी हिंदी तो याद रखिएगा पश्चिमी हिंदी के दो वर्ग हैं ओकार बहुला और आकार बहुला नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी की बोलियाँ तो पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधि जो अवध क्षेत्र में बोली जाती है बघेली और छत्तीसगढ़ी है ये पूर्वी हिंदी की बोलियाँ याद रखिएगा प्रश्न देता है कि इनमें से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है, 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 है या कौन सी, है सी नहीं है तो ये याद रखिएगा अवधि बघेली और छत्तीसगढ़ी है नेक्स्ट है अवधि कोशली वैशवाणी यानी अवधि भाषा को कोशली भी कहते हैं कौशल प्रदेश में बोला जाता है तो अवध को इसको बैंसवाड़ी भी बोलते हैं तो अवधि भाषा किन किन ज़िलों में बोली जाती है ये भी प्रश्न पूछ देता है ज़िले का नाम देकर किन में से किस ज़िले में बोली जाती है यानी मुख्य ज़िलों में से किस ज़िले में अवधि नहीं बोली जाती है तो इसको याद रखना ज़रूरी है तो लखीमपुर खीरी में गोंडा बहराइच बलरामपुर बाराबंकी लखनऊ सीतापुर उन्नाव फैज़ाबाद सुल्तानपुर प्रतापगढ़ रायबरेली जौनपुर मिर्ज़ापुर प्रतापगढ़ फतेहपुर आदि ज़िलों में अवधि भाषा बोली जाती है नेक्स्ट है मुग़ल काल की राजभाषा प्रारंभ में फारसी थी बाद में उर्दू बनी तो याद रखिएगा ये फारसी भाषा मुग़ल काल और सल्तनत काल दोनों में राजभाषा थी और मुग़ल काल में प्रारंभ में थी लेकिन बाद में उर्दू राजभाषा बन गई थी नेक्स्ट देखते हैं कुछ तथ्य है उनको देखते हैं अंतस्थ व्यंजन चार हैं कौन कौन से हैं य लवा याद रखिएगा य लवा क्या है अंतस्थ व्यंजन है व्यंजन भी चार हैं तो स स स याद रखिएगा कभी पूछ देता है कि उष्मज व्यंजन कितने हैं तो चार हैं और कौन कौन से हैं बड़ा छीफा स सो, सड़क ह नेक्स्ट संयुक्ताक्षर संयुक्ताक्षर चार हैं छ तो ये संयुक्त अक्षर हैं जो दो अक्षरों से मिलकर ये बनते हैं नेक्स्ट आगत व्यंजन दो हैं अंग और ढ अंग ढ दो आगत व्यंजन हैं। नेक्स्ट आयोगवाह दो हैं तो अयोगवाह दो हैं कौन कौन से अंग और अह अंग क्या है अनुस्वार है अह क्या है विसर्ग है तो ये दोनों अंग और अह क्या है अयोगवाह हैं नेक्स्ट नेक्स्ट ह्रस्व ह्रस्व के अंतर यह ह्रस्व है ह्रस्व है अ छोटी उ री ह्रस्व है स्वरे दीर्घ स्वर है आ बड़ी ई बड़ाउ और संयुक्त स्वर देखिए तो संयुक्त स्वर है ए आ ओ औ तो इसको याद रखिएगा कि ए किससे मिलकर बनता है तो ए बनता है अ धन छोटी ई से आए बनता है आ धन ए से ओ बनता है अधन धन ओ और ओ बनता है आधन धन याद रखिए किससे मिलकर बनते हैं सब नेक्स्ट है कंठ है कंठ स्वर हैं अ कंठ से आते हैं अ आ तालव्य है जो से छोटी बड़ी औष्ठ हैं उ और बड़ा उष्ठ है ओठ से और नेक्स्ट है कंठ तालव्य कंठ और तालु दोनों से मिलाकर कौन बोले जाते हैं ए आई ये प्रश्न आया है कि कौन सा कंठ तालव्य है तो ए आय इसी तरह कंठोष्ठ है कंठ और ओठ दोनों से मिलकर तो कौन से हैं ओ और औ नेक्स्ट है पंचमाक्षर पांच होते हैं प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर अंग इन न म तो ये पंचमाक्षर बोले जाते हैं नेक्स्ट है संयुक्त अक्षर तो संयुक्त अक्षर जैसे छ छत्री क और श से मिलकर बनता है त्र से मिलकर बनता है ज्ञ ज और य से बनकर बनता है श्र तो बड़ा स और र से मिलकर श्र बनता है तो चार संयुक्त अक्षर हैं नेक्स्ट है पार्शिक ध्वनिया पार्श्विक ध्वनि है ल पार्श्विक ध्वनि कौन सा है लुंठित ध्वनि है र याद रखिएगा लुंठित ध्वनि र है और उत्क्षिप्त ध्वनिया है अंग और ढ ये ढ है उत्क्षिप्त ध्वनिया अंग और ढ है नेक्स्ट अर्धस्वर अर्धस्वर है य और व विवृत स्वर विवृत माने खुला हुआ पूरी तरह मुंह खुल जाता है जिसके बोलने पर आ ए ओ और आ, आ ये सब क्या है विवृत स्वर है विवृत के अलावा होते हैं स्वृत्त जिसमें मुंह बंद रहता है अर्ध समृत भी होते हैं नेक्स्ट अग्र स्वर है छोटी ई बड़ी ई ए जो आगे से बोले जाते हैं मध्य स्वर है जो मध्य में जीप के मध्य से बोले जाते हैं अ और पश्चस्वर है जीप के पिछले भाग से जो बोले जाते हैं आ छोटा उ बड़ा उ ओ, 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 तो याद रखिएगा स्वर कौन है मध्य स्वर कौन है पश्चस्वर कौन है नेक्स्ट काकल्य ध्वनि ह है तो काकल्य ध्वनि कौन सी है ह तो दोस्तों ये हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे आगे के वीडियो में आगे हम कुछ और प्रश्नों को लेकर आएंगे ये प्रश्न आपको टीज़, टीज़ टी डी टी जी टी होने वाली परीक्षा में हिंदी के प्रश्न पत्रों तथा जो जिन परीक्षाओं में हिंदी आते हैं सामान्य हिंदी उसके लिए बहुत ही उपयोगी है वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद